खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ पे तुम पहुँचने वाले हो वहाँ तुम्हारा सब इंतजार करे। इसमें मैं कहना चाह रही हूँ कि सबसे उधार ले लो। अगर आप भी चाहते हो कि कोई लड़की आपको इशारा करे और बुलाए, तो आज ही आप रिक्शा ले लो और रेलवे स्टेशन चले जाओ, फिर देखो। कैप्सूल खा के बनाई हुई बॉडी, जमीन बेच के आया हुआ पैसा, इंस्टाग्राम पर उपजा हुआ प्रेम और व्हाट्सएप पर पाया हुआ ज्ञान कभी नहीं टिकता है। 20 साल में एक माँ अपने बच्चों को जेंटल बनाती है और एक लड़की 20 मिनट में उसे मेंटल बना देती है। इसीलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। लोगों को सरकारी हॉस्पिटल पसंद नहीं, सरकारी स्कूल पसंद नहीं, फिर सरकारी दामाद ही क्यों चाहिए? क्यों? लड़के सालों साल तक रिलेशनशिप में रहेंगे पर अपने छोटे भाई को भनक तक लगने नहीं देते, और लड़कियां 4 दिन चैट करेगी, 5वें दिन छोटी बहन से कहेगी ये देख तेरे जीजू हैं। देखो, अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो, ये सबको पसंद करते हैं, लड़कों में ये बीमारी होती है। लड़की को कम अकल के ताना देने वाले लड़कों, उसकी एक मुस्कुराहट पे तुम लोग पागल हो जाते हो और उसे ही कहते हो कम अकल की है। आजकल के लड़के भी कमाल करते हैं, सामने से आते लड़की को देखते ही मोबाइल निकालते हैं, लॉक खोलते हैं, वॉलपेपर देखकर वापस जेब में रख लेते हैं। मिलता क्या है भाई? और भाई, नहीं आ रहे हैं ना शादी के रिश्ते? टेंशन मत लो, अब आएंगे तुम्हें डायरेक्ट लेने फरिश्ते। आजकल के लड़कों के पास जेब में भले ही चाय पीने के पैसे ना हो, पर दाढ़ी तो ऐसे रखते हैं जैसे जयपुर रियासत के राजा हो। दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, क्योंकि जिसके फोन में नेट है वो कहीं ना कहीं जरूर सेट है। पता नहीं तुम्हारे होने वाली बीवी किसके साथ जीने मरने की कसमें खा रही होगी। खैर, तुम और कर भी जा सकते हो। दाढ़ी रखने से साबुन का झाग ही फंसता है, लड़की नहीं। सोच बदलो, कलयुग के राजकुमार हो। आई लव यू। तुम शराब पीते हो? जी बिल्कुल पीता हूँ, रोज पीता हूँ। इसका मतलब बहुत सारा पैसा कमाते हो। आई लव यू टू। आजकल वही इंसान शरीफ है जिसका मोबाइल पूरा परिवार चलाता है। ये लड़के जो हम लड़कियों को कहते हैं कि लड़कियां बिना मेकअप की चुड़ैल लगती हैं, और आप लोग जो बीएड से पुराने के पास हमारी पहने लगते हो, हमने कुछ बोला? ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो गर्मी से मर जाओगे, इसीलिए जल्दी से शादी करो, ससुराल वालों से एसी कूलर फ्रिज लो और गर्मी से छुटकारा पाओ। लड़के बुखार होने पे जितनी जल्दी दवाई नहीं पीते, ब्रेकअप होने पे उतनी ही जल्दी दारू पी लेते हैं।